प्रेजन हो जैसे कहे आपकी थोड़ी सी लाइट में कुछ इश्यू लगता है, कोई लोड शेडिंग हो चुकी है वहां पे सही हो गई है चले कोई खुदावंद हमारा खुदा जो है वो नूर है और उसने कहा कि पहले उसने अपने आप को कहा कि मैं दुनिया के नूर हूँ, फिर कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। लाइट चाहे चली जाए, हमारा जो कलाम खुदा ने आपके मुंह में डाला है वो जरूर आप दुनिया तक पहुंचाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। ओवर टू यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लव यू सो मच मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड पास्टर हरून साहब और मैन ऑफ गॉड, सो नाइस टू सी यू इवन ब्रदर कामरान, रेवरेंड कामरान एंड मिसेस रेवरेंड कामरान. You both are doing, and I was really enjoying this session. The cloud was, I mean, pouring out. So, मैं अरे थले आप ही वाड़ के खलो गया, मैं कहा मैं भी तारी ला लूँगा. It was so blessed. Praise the Lord, खुदा की तारीफ हो. आप लोगों के दरमियान आकर मेरे लिए यह हमेशा से ऑनर है, और मेरे लिए ऑनर है आप लोगों ने मुझे फिर से मौका दिया है. Thank you so much. Bunch of thanks. People of God, your love is working as a fuel in my spirit. Amen. And your prayers are also pushing me forward, because मैं अभी बात कर रहा था मेरे घर बेटी मिशेल से, मैंने कहा मैं 3:45 बजे तक ऑफिस का काम करता रहा, रात घर पे ही मेरे काम दे गए थे वो, तो सारा दिन बिजी रहकर संडे में वहाँ मिनिस्ट्री में वापस आकर 11:30 मैंने काम शुरू किया लैपटॉप पर, और 3:45 बज गए थे रात को, और सुबह उठ के फिर मैंने बेटे को ड्रॉप किया स्कूल और ड्यूटी चला गया, उसको लाया हूँ और आकर मैंने जल्दी से लंच किया और मैं मीटिंग में ज्वाइन कर लिया. लेकिन शुरू में मैं बहुत थका हुआ था, मैंने मिसेज को बोला, मैंने कहा मुझे कुछ ग्रीन टी वगैरह दे दे, तो प्या के बाद जो मैंने दसा ग्रीन टी के बाद नींद आती है, मैंने कहा मैं तो डरनी अडानी सी ते तू मेरे से बड़ी प्यार दीती है ते ओ सुना लोका दी वडा लगे ना निंदा जेड़े सुकरे दे रास्ते बस मैं यहां पर फिर एंजॉय करना शुरू हो गया, अंदर बैठा वर्शिप सुन रहा था, अंदर बच्चे दोनों अब डिस्टर्ब कर रहे थे तो मैंने बाहर आकर नासी समझा, तो बाहर एनवायरनमेंट कुछ और ही था, अंदर मैं भी म्यूजिक को मिस कर रहा था नीता के साथ, और यहां जब बाहर आया हूं तो नीता का दूसरा गीत सुनकर मैं भी स्टरअप हूँ और मेरी स्पिरिट जो है वो प्रोवोक हुई, और उसके बाद फिर आप लोगों को खुदा ने माइटली यूज कर लिया है, और उसके लिए मैं खुदा का जलाल देता हूँ इस बात के लिए. वाओ जबरदस्त, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो. तो विच विच मेरा भी दिल किया कि मैं भी अपना अनम्यूट करके वे शुरू कर दें, लेकिन लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड. और वी विल होप टू सी यू सून. थैंक यू सो मच, शुक्रिया. तो प्रेज द लॉर्ड. दिल तो बड़ा है कि ज़्यादा बोला जाए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ठीक 2 बजे से ज्वाइन इन कर चुके हुए थे, बल्कि उससे पहले से मैं 2:02 पर आया था, और फिर मैंने उसको लेफ्ट किया क्योंकि मैं लंच करना चाह रहा था, और तब से आप मीटिंग में हैं. एंड आई रियली अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू. यू आर रियली सेक्रीफाइजिंग पीपल, यू आर रियली हंग्री एंड थर्स्टी. If you are not bound because of men of God, then you will receive the reward. I mean, मैं मुझे पता है कि खुदा आपसे कलाम करने को है. So if you are hungry and thirsty for the word of God, then God is going to, release that powerful word in your life. And after this service, after this sermon, there are things in the spiritual realm, ruhani alam mein. कुछ चीजें बदल जाएंगी एकदम से. सर आई हर्ड अबाउट ट्रीज, सो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज मेंशन इन द वर्ड ऑफ गॉड. बहुत सारे लोग बहुत सारे दरख्तों के साथ इस वक्त टाइड हैं, बहुत सारे दरख्तों के मुकाबले में है. व्हाट आई एम शेयरिंग अबाउट, मैं चलते चलते आपको डिटेल में लेकर चलूंगा, अगर खुदा के रूह ने इजाज़त दी तो और डिटेल में चलेंगे, क्योंकि मुझे जितना पास्टर हरून साहब ने और ब्रदर कामरान साहब ने जितना बोल दिया है आपके बारे में, आई बिलीव यू आर द चर्च दैट इज़ ऑन द फाउंडेशंस ऑफ द अपोस्टोलिक एंड द प्रोफेटिक. सो आई बिलीव इट, एंड दिस इज़ वाई आई एम गोइंग टू गिव यू दैट टाइप ऑफ डाइट के
ये सबको हजम नहीं होती, ये पूरी उम्र वालों के लिए मैं पहले भी इस पर बोल चुका हूँ। तो बहुत सारे ट्रीज आपकी लाइफ में जो है वो सर उठाते हैं, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, सम ऑफ देम आर चैलेंजिंग, और सम ऑफ देम आर ब्लॉक्ड, जिन तक आपको पहुंच जाना चाहिए था, जिन तक आपकी रसाई हो जानी चाहिए थी, जिन तक आप की एक्सेस होनी चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू आफ्टर दिस सर्मन डिलीवर्ड टू यू, आफ्टर दिस वर्ड डिलीवर्ड इन योर स्पिरिट, डेथ शैल रन फ्रॉम यू। आई एम टेलिंग यू डेथ शैल रन फ्रॉम यू, इट शुड रन फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ द सर्मन यू आर गोइंग टू लिसन, जो आवाज खुदा की आप सुनने वाले वाला ज्यादा हवाला जात पढ़ाऊंगा, पढ़ाकर आगे चलूंगा। बट when you start the Bible, when you start the word of God from Genesis, you see there was a tree, the fig tree, and that tree was used Adam ko aur Hawa ko cover karne ke liye, is Adam ko jo Adan mein aapko nazar aata hai। And then there was a time ye tree jo tha unke liye ek covering ka bais bana, ek provision ka bais bana। देर आर सम ट्रीज जो आपको कवर करते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोविजन के लिए खुदा ने आपके लिए रखे होते हैं। और इसी बाग के अंदर और बहुत सारे दरख्त मौजूद थे, इसी गार्डन के अंदर और भी ट्रीज मौजूद थे, और जो वर्थ सींग थे, जो देखने से ताल्लुक रखते थे, और उनकी एबिलिटी यही थी कि वो अट्रैक्टिव थे, और अट्रैक्शन से ही वो आपको फीड कर देते थे। मैं इस पर अगर वर्सेस में चलेंगे तो शायद दोबारा ज्यादा बात खुल जाएगी, और फिर अगर खुदा ने चाहा तो इस डायमेंशन में भी बात होगी। और कुछ जो थे वो खाने से ताल्लुक रखते थे, कुछ ब्यूटी से ताल्लुक रखते थे, जिनको देखना आपके लिए जरूरी है। इन द गार्डन वेयर यू आर प्लेस, फिर याद रखिए आपकी क्रिएशन से पहले, बिफोर यू वर क्रिएटेड एंड बोर्न ऑन दिस अर्थ, गॉड क्रिएटेड योर ईडन। God placed a place in this world for your क्या करना चाहिए, to be your territory, for your inhabitation, कि तुसी ओदे चे prevail करो, तुसी ओदे चे छा जाओ, तुसी ओदे चे control करो, overrule करो, look after करो, और ओदे चो वदो फलो enjoy करो। Before you were created, every one of you, you were created, you were born with your Eden garden. You were not born without your garden, without your environment, ke tusi vad na sako. Aise environment mein aapko parvarish nahi di, khudavand ne paida nahi kiya. So don't be ke har wari tusi complaining behavior che khuda de dura, wo khudavand tu mere liye nahi kita, khudavand tu nahi karan, eh nahi karan deya, oh nahi karan deya. You were created, but some of you, tusi kai unna de vichon jehde jo drakhtan nu miss kar rahe ho. There are some trees jehde tadi provisions ne, there are some trees, hallelujah, pastor hanun ne chalte chalte ek baat boli ke fruit nazar aata hai, there are some trees, eh do drakht baithe ne jehde mere samne nazar aande ne, ek lal tai ch ek neele hood de vich, jehde tree tanu ditte gaye ne ke na sirf tusi inna nu vekh ke rajjo, balki inna nu kha ke inna de vichon kha ke vi rajjo। So you need these coverings, ना सिर्फ ये तानु टकन, ना सिर्फ ये तानु टेस्ट देन, ना सिर्फ ये तानु सोने लग के ताड़े चेहरियां ते खुशी ले आन। Some of you are missing your trees, I'm telling you. There are some trees in your own garden, जिन्हां नु ताड़े ली लाया गया सी। Now look at this, अगर यहां पर कोई ऐसा ट्री है जिसको खुदा ने ट्री होने के लिए बुलाया और वो ट्री नहीं बन रहा, हालेलुया, याद रखिए, अगर आप जेनेसिस में चले मेरे साथ, जेनेसिस में चलें, माय गॉड, जेनेसिस चैप्टर सेकंड वर्स 9, जेनेसिस में चलें, भी लिख दीजिएगा ताकि इजी भी हो सके। दूसरा पैदाइश की दूसरी बुक चैप्टर में 9th वर्स, और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा, हर दरख्त को, यू आर ब्यूटीफुल पीपल ऑफ गॉड,
You are beautiful, every one of you, every one of you. You are beautiful. हर दरख्त को जो खुशनुमा है और खाने के लिए अच्छा था, जमीन से उगाया आउट। ए जमीन की जिम्मेदारी नहीं कि तुम उगाए। It's not the responsibility of the world to uplift you, ते तुम कढे तुम्हारी जड़ां नूं तुम्हारे तने नूं उत्ते उठाए। It's God's responsibility जिन्हें तुम लाया। लिखा है यहां पर जमीन से उगाया। Who is behind this growth? Your God, my God. People of God, if you are not growing, don't blame God. God is growing every tree. उसने उगाया। And let me go deeper in this. और बाग के बीच में है हयात का दरख्त। Now you are introduced with another tree. एक और दरख्त आ गया, हयात का दरख्त। और यहां पर और का लफज आ गया, नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। So ये एक नहीं है। Don't be confused. उर्दू बाइबल पढ़ते वक्त you will be confused कि ये दोनों इकट्ठे लिख दिए गए हैं, कि एक के दो नाम है। No, these are separate. मैं इसको आगे चल के खोल देता हूं अगर इजाजत मिली खुदा के रूह से। सो पीपल ऑफ गॉड, इंजीर के दरख्त में बात कर रहा था। दरख्त, दिस फिग ट्री, इसने उस आदम को जो आदम के अंदर था उसको कवरिंग दी और उसको हेल्प आउट किया, उसका नंगपन ठांपा। लेकिन जब पिछला आदम खड़ा होता है इस दरख्त के सामने, डू यू रिमेंबर मार्क चैप्टर 11, डू यू रिमेंबर, खोलें उसको भी पढ़ें। मरकस की इंजील में गालबन वो हवाला होना चाहिए। मरकस की इंजील उसके 11वें बाब में, मरकुस 11वें बाब में कितने होना चाहिए था? यस यस, 11वें बाब में उसकी 12वीं आयत से 12th वर्स। नाउ दिस द एडम इज रिप्लेस्ड बट द ट्री इज सेम। द एडम इज रिप्लेस्ड बट द ट्री इज सेम। Now some of you think that Jesus cursed the tree, जैसा लिखा भी है सताई तौर पर। If you go reading like this, then you will perceive के यीशु मसीह ने कर्ज किया और ये dry हो गया। I'm telling you, Jesus just spoke about his condition, the status he was carrying, he was showing, because इस tree की एक जिम्मेदारी थी कि जब उसको ये आदम आकर इसके सामने खड़ा होता तो ये उसको रिस्पोंड करता। इस ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये इस एडम को डिनाई ना करता। जब उस एडम को डिनाई नहीं इसने किया और उसको कवरिंग दी है, उसके लिए इसके पास कुछ था, तो इस ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये इस एडम को भी रिस्पोंड करता और इसको भी कुछ देता जो इसमें से ढूंढा जा रहा था। And because of that barrenness, जो वो दे नहीं सकिया, जो वो दे अंदर खुशकी सी, बेफल होण दा जड़ा एलिमेंट वो दे अंदर मौजूद सी, जीसस क्राइस्ट ने वही बोला है जो वो था। और चूंकि वो फल नहीं था उसके अंदर, और लिखा है कई मुफस्सरीन कमेंटेटर्स लिखते ने, तुसी भी पढ़ दीजिए बाइबल स्टूडेंट्स जे, ते जी फल दा मौसम नहीं सी, लेकिन इसको साइंस देने थे उसके। और जब क्रिएटर सामने खड़ा है तो इसको आउट ऑफ द वे जाके भी फल देना था, सुपरनेचुरली भी इसको फल देना था, क्योंकि इसके सामने जो खड़ा है वो उस एडम से बड़ा था, वो सुलेमान से बड़ा था, वो अब्राहम से बड़ा था जो इसके सामने खड़ा था और इससे फ्रूट डिमांड कर रहा था। एंड दैट ट्री वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस फ्रूट। सम ऑफ यू, You are placed राह दे किनारे, तुसी लाए गए जे, रामा च लाए गए जे, ताकि राह जांदियां तुसी लोकां दी जरूरत पूरी कर सको, नंगदियां टपदियां लोकी तुहानू इंजॉय कर सकन, तुहाडे चो सेर हो सकन, बट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट। ते अज दे दिन इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, आई वॉर्न यू पीपल ऑफ गॉड, अगर आप इस मीटिंग में मौजूद हैं, आई वॉर्न यू, जीसस विल नॉट कर्स यू, You are already cursed. He did not. इसकी हालत पर गौर करें, ट्री की खलोता कौन है उसके सामने, फिर फ्रूट नहीं दे रहा, फिर फ्रूट नहीं दे रहा।
And similarly, some of you, you are so stubborn ke tusi fruit nahi le aa rahe. I know in the prophetic ministry, is tarah de, because mainu vi jehdi bhedan dittiyan gaiyan ne, they move in the spirit, they know the spirit, they hear, they see. Lekin still some of them, they are so stubborn. Pastor Kamran, Pastor Harun, paande jaan ge efforts. Lekin you are denying. Jadon eh tade samne khlon te tusi ta tade de fruit nazar na aaye. Tusi deny kar rahe. Inna da zor lavai ja rahe je. Unna di authority nu challenge kari ja rahe. Halanki tanu lehna chahida. No. There are some trees in the day. Jede plant kite gaye ne. Tade raavan che tanu tade time waste karan layi. Enemy has planted in the tree. Jinnan de kol tusi jaoge te fruit labboge te fruit nahi denge tanu. Tada waqt waste karan di koshish karanage. Now I command every tree planted by the enemy in the mighty name of Jesus Christ, by the witchcraft, by the wizard, be dried up from the roots in the mighty name of Jesus Christ. Receive it by faith. Receive it by faith. The tree that is blocking your blessing, the tree that is hindering your womb fruit, the tree that is cursed, already cursed, I speak curse in the mighty name of Jesus Christ. Dry up from the roots. Taake tenu dubara koi na dekh sake. Aur tu dusron ko distract karne wala fruit na tree na ho, aur na tu in zindagiyon ko distract karne wala ho. In the mighty name of Jesus Christ. हर वो ancestral tree जिसके नीचे कुर्बानियां चढ़ाई गई हैं आपके खिलाफ, आपके घराने के खिलाफ, I uproot in the mighty name of Jesus Christ every ancestral tree जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, हर वो ancestral tree जिसकी जड़ों में कुर्बानियों का खून बोल रहा है, dry up in the mighty name of Jesus Christ right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. People of God, now come back into the Genesis.